हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप और फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है एंड फंक्शन क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी का। सो द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी वाइड एंड इट्स इंक्लूड द फॉलोइंग: कॉस्ट असर्टेनमेंट करना, कॉस्ट अकाउंटिंग करना, कॉस्ट कंट्रोल करना। ये थ्री इसके फंक्शन है। तो हम वन बाय वन हम तीनों को देखते हैं। फर्स्टली क्या बोलता है कॉस्ट असर्टेनमेंट, यानी असर्टेनमेंट का मतलब होता है कॉस्ट को निर्धारण करना, फिक्स करना, प्राइस को डिटरमाइन करना, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करना। इट डील्स विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस, द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड द डिफरेंट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द लिंकिंग अप ऑफ प्रोडक्शन विद द एक्सपेंसेस। इन फैक्ट द वेरिंग प्रोसीजर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एक्सपेंसेस गिव राइज टू द डिफरेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग एज ए हिस्टोरिकल और एक्चुअल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट इटीसी। अगेन द वेरिंग प्रोसीजर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन हैव रिजल्ट इन द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग सच एज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, फॉर लिंकिंग अप ऑफ द प्रोडक्शन विद एक्सपेंसिस विद द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग सच एज मार्जिनल कॉस्टिंग, टोटल कॉस्टिंग टेक्निक, डायरेक्ट कॉस्ट टेक्निक्स इटीसी have been evolved. All the three, that is system, method and techniques, can be used only concern simultaneously. तो cost और settlement के various methods होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था और शायद आप आगे वाली video series में भी आप देख सकते हो। जब आप किसी product के cost को identify करने जाते हैं तो उसमें हर एक company to company, industry to industry वो तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर आप एक service industry में हो तो आपको ऑपरेशन कॉस्टिंग को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को फॉलो करना होगा, या फिर आप उसको सर्विस कॉस्टिंग भी बोल सकते हो, जिसको आप फॉलो करके आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ओला, उबर, किसी होटल इंडस्ट्री, ये सब कुछ सर्विस कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। या फिर अगर आप FMCG इंडस्ट्री में हो तो FMCG कैसे करती है, वहाँ पे बैच कॉस्टिंग होता है, वहाँ पे बैच कॉस्टिंग को फॉलो किया जाता है। अगर आप वाइल्ड में जाओगे तो वाइल्ड क्या कर सकते हैं, एक तो ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है एंड सेकेंड थिंग वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, बिकॉज वाइल को रिफाइनिंग किया जाता है, उसको वेरियस प्रोसेस के साथ लिया जाता है, तो वहाँ पे प्रोसेस वाइज कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक ऑफ द कॉस्टिंग को फॉलो करती है कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो सेम चीज़ है कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एंड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस है, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा नया नहीं मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफिनेशन डिस्कस किया था तो सारी चीजें मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दी ऑलरेडी। कुछ इंपॉर्टेंट एंड एडिशनल पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ। इफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर केप्ट सेपरेटली, there is a reconciliation is also be done in order to verify the accuracy of the both sets of accounts. होता क्या है, जैसे कि जब cost accounting बनाते हो, जब आप आगे format of cost sheet पढ़ोगे and cost sheet जब आप बनाओगे तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे items होते हैं जिसको cost accounting में include नहीं किया जाता है cost को calculate करने के लिए, but उसको financial accounting में include किया गया था। तो उससे होता क्या कि cost accounting में जो profit आता है and जो financial accounting में जो profit आता है दोनों में differences आते हैं। तो हम क्या करते हैं एट द ईयर एंड हम एक रिकन्सिलेशन करते हैं। जैसे आपने इंटर में पढ़ा होगा बैंक रिकन्सिलेशन, आपने बनाया होगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जिसमें आप कैश बुक और पासबुक को रिकन्साइल करते थे। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक को रिकन्साइल करेंगे। ये टॉपिक इंटर में इन डिटेल पढ़ना है, प्रॉपर चैप्टर्स के अंदर है, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से आप देखोगे किस तरीके से हम रिकन्सिलेशन करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है, मैंने आपको बताया था हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने यहाँ, जिससे हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए और किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हुई उसके बीच के हम डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर 12 रुपये किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट होनी चाहिए और एक्चुअल में 14 रुपये हो गई तो 2 रुपये का डिफरेंस क्यों आया, हम उसके पीछे के रीजन को फाइंड आउट करते हैं एंड फिर चेक करते हैं वो रीजन क्या एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है तो हम फर्दर उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि हम आगे इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, या फिर नॉन एक्सेप्टेबल है जैसे किसी एम्प्लॉय की गलती की वजह से हुआ या वर्कर की गलती की वजह से हुआ तो हम उसके बोनस से डिडक्ट कर सकते हैं या किसी और तरीके से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं।
cost control is a guidance and regulation by institute. Action of the cost of operating and undertaking. It aims at guiding the actual towards the line of target. Regulates the actual if they divide or vary from the targets. The guidance and regulation is done by executive action. The cost can be controlled by standard costing, budgetary control, proper presentation and reporting of cost data and cost audit. मैंने आपको पहले बताया ये सारे methods हैं, techniques हैं जिससे आपको cost को आप कम कर सकते हो, control कर सकते हो. ठीक है, thanks for watching this video. Next video में मिलते हैं फिर next topic के साथ.